ओके, तो वेलकम बैक। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि जब ब्रेकअप हो रहा होता है तब कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पार्टनर को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ब्रेकअप होते टाइम भी अगर आप कुछ गलत चीज़ें करते हो तो उसका इम्पैक्ट एक्स पे को वापस पाने के लिए आपके रिलेशन में हमेशा रहता है। पर अब बात करेंगे कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसके बाद ना बहुत सारे लोग अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो उनका एक्स तो वापस नहीं आता, लेकिन जो कुछ संभावना होती, पॉसिबिलिटी होती है वापस आने की, वो भी ख़त्म हो जाती। एक्स बैक का अलग मेथड होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्स बैक को वापस कैसे पाया जाता है वीडियो के एंड में। इस वीडियो में बात करेंगे अगर ब्रेकअप हो गया है तो कौन सी वाली मेजर गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। नंबर वन गलती होती कि ऐसा मत दिखाओ कि तुम उसको मिस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही। ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोग ऐसा शो करते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है, हम मिस कर रहे हैं तुम्हें, हम आज भी उतना प्यार करते हैं। अब ये लोग सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डालते हैं, कहीं मिल जाते हैं या दोस्तों के थ्रू ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। नहीं, तुम उनको मिस कर रहे हो, एक्चुअल में तुम्हें ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है, ठीक है, एकदम मतलब मस्त हो, वो गए तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा भी नहीं दिखाना। स्पेशली दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँ कि लोग अपने व्हाट्सअप पे डीपी हटा देते हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह पे नेगेटिव अपनी लाइफ के बारे में पोस्ट शेयर करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ बहुत बकवास हो गई है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, गम में चले गए, दुख का पहाड़ आ गया। तो ऐसी कोई भी तरह की चीज़ें तुम्हें नहीं दिखानी चाहिए। प्लीज़ स्पेशली सोशल मीडिया को आप ऐसी चीज़ें ब्रेकअप के बाद शो करने के लिए अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि तुम दुखी हो ना, वो जानते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम उनको मिस कर रहे हो, वो पहले से तुम्हारा पार्टनर जानते हैं एंड तुम लव कर रहे हो, वो भी वो जानते हैं, तो ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया था ना तो तुम्हारे इस चीज़ का उनको अंदाज़ा था कि यार इसके बाद ना तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, देखना मैं छोड़ दूंगा तो क्या हालत होती तुम्हारी, रह नहीं पाओगे। वो तो ये मन में लेकर बैठे और आपकी इन चीज़ों को देख कर वो सेटिस्फाइड हो रहे, उनको लगता है कि मैंने सही किया, इसकी जगह यही, अब उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम ये दिखा के उनको सही साबित करना चाहते हो, ठीक है, कि तुम जो सोचते हो वैसा ही हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ की खुद ना अपनी लाइफ में ऐसे रिएक्ट करते हैं ब्रेकअप के बाद कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। जैसे लोग मुझसे मिलते हैं, बात करते कि भाई लाइफ तो एकदम ख़त्म होगी, अब तो कुछ रहा नहीं, कुछ मन नहीं करता जीने का, ये वाला। तो ऐसा वाला सीन मत दिखाओ कि तुम मतलब कुछ कपड़े वपड़े ऐसे वैसे पहने, बाल बाल उड़े और तुम कम्प्लीटली देवदास हो गए एंड तुम्हारी लाइफ झंड हो गई है, ठीक है। तो तुम यही दिखा रहे हो उनको कि भाई तू था ना तो मेरी लाइफ थी, तू चला गया तो अपन ख़त्म, ठीक है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे लोगों का ईगो सेटिस्फाइड होता है, ऐसे देखकर उनको अच्छा लगता है, हाँ इसको अपनी लाइफ में ना मेरी कमी जज रही है, तो तुम उनका ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हो। उनको तरस नहीं आएगा, उनको दया नहीं आएगी, इसलिए इस तरह की हरकत मत करो। चौथी चीज़, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया, ये नहीं किया तो मैसेज कर करके कॉल कर करके ब्लॉक करवा लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो उसको समझाना चाहते हैं कि यार ये था ये नहीं था, कितना प्यार करता हूँ, मिस करता हूँ। तो उसके लिए उनके दोस्तों को फाइन करते, उनके भाई को, उनकी सिस्टर को या उनकी फैमिली को फाइन करते, फिर उनको मैसेज करते हैं। अब ये ना थोड़ा ज़्यादा बुरा कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। क्योंकि एक तो इरिटेट हो गए भाई, तुम्हें इसीलिए ब्लॉक किया कि वो परेशान हो गए, ऊपर से तुम ये करो तो उनको लगता है कि यार हम दोनों का जो झगड़ा है, हम दोनों का जो रिलेशन है, तुम उसका ढिंढोरा पूरे शहर में पीट रहे हो। तो यार वो नहीं सुनेंगे, अगर तुम्हारा कॉल उठा भी गया तो तभी तुम उनको बुरे लगोगे। उनका माइंड वो स्टेट ऑफ लेवल पे ही नहीं कि तुम्हारी बात को सुने या तुम्हारी बात को समझे। इसलिए तभी अपनी जो भी चीज़ें अंदर चल रही है ना, ठीक है, उनको सुनाना बंद करो, ऐसी कोशिश करना भी बंद करो। पांचवी चीज़ बहुत सारे लोग कर दें कि मान लो कि ये सब कुछ हो गया ब्रेकअप, अब नया एक आईडी बना लिया, नया नंबर ले लिया, वहाँ से उनको कॉन्टेक्ट करते हैं। एंड कुछ लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नई आईडी से ना वो देखते हैं कि अभी ये तो ऑनलाइन है, कहाँ पर है ऑनलाइन, कितने देर पे। देखो तुम ये करोगे ना तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा लूज होगा, तुम्हें लगता है नेगेटिव तो ख्याल आएंगे, श्योर
तो तुम्हारे माइंड में ऐसे ही क्या लगेगा कि किसी और के साथ इतनी जल्दी उनकी दोस्ती हो गई, शायद कुछ बात आगे आगे बढ़ गई होगी, तो तुम ज़्यादा दुखी होगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होगा, तुम वीक फील करोगे और धड़ाधड़ उनको वापस से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करोगे। ये सारी चीज़ें क्या है कि तुम्हें तोड़ देते हैं, तुम्हें इतना वीक फील कराते कि तुम अपने आप में ही खुद को चीप लगने लगते हो। एंड उस टाइम पे तुम्हारी हरकत देखना, नोटिस करना, कितने भी तुम समझदार होगे तुम्हारी हरकत पागलों जैसी होगी। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अब ये नहीं करनी चाहिए तो करना क्या है? देखो, एक्स बेक की ना एक पूरी मेथड होती है, स्ट्रेटजी के साथ आप अपने एक्स पार्टनर को कुछ टाइम के अंतर में वापस पा सकते हो। ऑलरेडी इसकी मैंने ई बुक लिखी है जो मेरी वेबसाइट पे आपको मिलेगी, या आप एक वीडियो सीरीज है हमारी, अगर आप सर्च करोगे जोगल राजा एक्स बेक पार्ट 1 यूट्यूब के ऊपर, तो आपको 5 वीडियो की एक सीरीज मिलेगी। या आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ बात करना चाहते हो अपने ब्रेकअप को और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट lovetipshindi.com को विजिट करिए, वहाँ पे आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो फ़ोन पे। एंड किसी का ब्रेकअप हो गया तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो, आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, और ऐसे वीडियो फ्री में और देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड मेरे साथ फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।